हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले 4.7 की फेज 1 के बैनर्स के बारे में, जो किया अलैतम और क्लोरीन का बैनर। वो बैनर का अनाउंसमेंट कल हो चुका है, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, सो आज बना देता हूँ कि वो बैनर कैसे, वेपन बैनर, कैरेक्टर बैनर एंड ऑल, 4-स्टार वगैरह कैसे आपको पुल करना चाहिए कि नहीं, वो सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड सो लेट्स बिगिन। ओके, तो इवेंट बैनर 5-स्टार, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया, क्लोरीन और अलैतम है, तो इनमें से आपको किसे चूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ, अलैतम एक बहुत ही बढ़िया डीपीएस है, नो डाउट, बहुत ही क्रैक डीपीएस है, और अगर इसका पूरा टीम है तो ये वन ऑफ दी बेस्ट डीपीएस टीम्स में आता है। बट अगर क्लोरीन बहुत ब्रोकन निकली इन कंपैरिजन टू अलैतम, मच मतलब अलैतम थोड़ा बहुत टीम डिपेंडेंट है। अलैतम C0 पे सोलो उतना बढ़िया नहीं है, अलैतम C0 पे थोड़ा सा टीम डिपेंडेंट, मतलब आपको टीम चाहिए होगा एक अच्छा सा, मतलब अलैतम को जो टीम चाहिए, सबसे बढ़िया टीम अलैतम की होगी अलैतम, फुरीना, कुकिशिनोबू, और एक फोर्थ पे नहीदा या फिर या फिर बाइजू, किसी पे भी 4-पीस डीपुट होना चाहिए फोर्थ कैरेक्टर पे। बट वही एक इशू है कि अलैतम टीम डिपेंडेंट है, बट हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन टीम डिपेंडेंट ना हो एंड उसका शायद एक दो कैरेक्टर्स के साथ ही बहुत ही ज्यादा सिनर्जी हो जाए, बाकी टीम में आप सब डीपीएस वगैरह रन कर सको। इसीलिए मैं बोलूंगा कि डे वन पे पुल मत करना किसी भी 5-स्टार कैरेक्टर के लिए, क्योंकि क्लोरीन अभी न्यू कैरेक्टर आ रही है, जब तक लेवल नहीं हो जाती मैं इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बता नहीं सकता। ये लोग हर बार मेरे को बैनर से पहले पूछते हैं कि भाई ये कैरेक्टर कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं, बुरी होगी कि नहीं। मैं भाई, मेरे को बीटा का एक्सेस है नहीं मेरे पास, ठीक है, और दूसरी बात, मैं जब तक गेम नहीं आता, खुद ना खेल लूं, तब तक मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे लोग लीक्स वीक्स देख के बोलते हैं, लेकिन लीक्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। मैं हर बार बोल बोल के लोगों को थक चुका हूं कि उस पर यकीन मत करना, क्योंकि वो हमेशा गलत निकलता है एट द एंड। तो मैं बोलूंगा क्लोरीन को फर्स्ट डे पे पुल मत करना, डू नॉट ट्रस्ट द लीक्स, और 2-3 दिन वेट कर जाना, ताकि हम लोग, मैं एंड बाकी और भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स, सब लोग एनालाइज कर पाए कि क्लोरीन अच्छी है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि हाँ अच्छी है, देन पुल करना। बट अगर आपके अकाउंट बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब आपको कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है, या फिर आपको एबिस वगैरह से कोई मतलब नहीं है, देन डेफिनेटली आपको अगर क्लोरीन चाहिए आप पुल कर लो। बट अगर आपका कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर आपका अकाउंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके पास अच्छे कैरेक्टर्स वगैरह नहीं है और आपको एविस वगैरह भी क्लियर करना है, देन मैं बोलूंगा डे वन पे पुल मत करना क्लोरीन के लिए। थोड़ा सा हमें एनालाइज कर लेना उसका किट वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं, अच्छी डीपीएस है कि नहीं, उसके बाद ही क्लोरीन पुल करना, उससे पहले नहीं। अलैतम नो डाउट बहुत ही ब्रोकन डीपीएस है, एंड मैंने जो टीम बताया वो प्रीमियम टीम थी अलैतम की, बट अलैतम का बजट टीम्स भी है, 4-स्टार ओनली टीम्स भी है, लेकिन मेन रीजन कि क्लोरीन अगर बहुत ही ज्यादा क्रैक निकली कंपेयर टू अलैतम, तो क्लोरीन ज्यादा वर्थ टू पुल होगा होगी। इसीलिए मैं बोलूंगा कि अलैतम भी डे वन पे पुल मत करना, पहले मैं देख लेना क्लोरीन कितनी क्रैक्ड है एंड ऑल, अगर वो ज्यादा वर्थ टू पुल रही तो फिर उसे पुल करना, अगर वो उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही या फिर अलैतम के लेवल पे रही तो आपको जो चाहिए वो आप पुल कर सकते हो, या फिर अलैतम बेटर हुआ तो डेफिनेटली अलैतम को पुल कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि डे वन पे पुल मत करना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको मैं बोलूंगा थोड़े दिन वेट करने को, क्योंकि जो बेटर कैरेक्टर है उसे एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्लोरीन न्यू कैरेक्टर है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो अब बढ़ते हैं 4-स्टार्स के बारे में। बेनेट भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 4-स्टार हमेशा से था, है और रहेगा, तो बेनेट तो टोटली वर्थ टू पुल है, लेकिन अगर आप इस बैनर पे सिर्फ बेनेट के लिए पुल करने का सोच रहे हो तो मैं एक चीज बता दूं कि 4-स्टार का कोई पिटी नहीं होता, तो शायद आप पूरा ट्राई हार्ड कर लो उसके बाद भी आपको बेनेट ना मिले, ऐसा चांस है। तो सिर्फ 4-स्टार के लिए पुल करना वर्थ इट बिल्कुल नहीं रहेगा अगर आपको 5-स्टार नहीं चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की, थोमा। थोमा एक अच्छा शील्डर है, बुरा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक ठाक सा शील्डिंग कर लेता है, एंड अगर इसका कॉन्स्टलेशन 4 एनर्जी इशू का सॉल्व हो जाए, मतलब कॉन्स्टलेशन 3 तक इसके एनर्जी इशू थोड़ा बहुत है, एनर्जी कॉस्ट हाई एंड एनर्जी काफी सारा चाहिए होता है,
बट कॉन्स्टलेशन 4 के बाद वो थोड़ा इशू सॉल्व हो जाता है. एंड थोमा ऑल्सो गेम की वर्जन यूनिट है जो कि मतलब काइंड ऑफ द बेस्ट वर्जन डीपीएस है राइट नाउ, जो कि थोड़ा बहुत शील्डिंग भी प्रोवाइड करता है एंड वर्जन डीपीएस भी अच्छा खासा कर लेता है. वर्जन अगर आपको नहीं पता है तो हाइड्रो प्लस डेंड्रो इक्वल टू जो ब्लूम क्रिएट होता है उस पर पायरो मारने से होता है वर्जन रिएक्शन, जो कि डेंड्रो डैमेज डील करता है ना कि पायरो डैमेज. तो थोमा वो डीपीएस कर लेता है. और सेथोस एक न्यू कैरेक्टर है जो कि जैसा मैंने स्पेशल प्रोग्राम में देखा था आई थिंक ही इज अ डीपीएस नॉट अ सपोर्ट, ही इज अ डीपीएस. तो फोर स्टार डीपीएस इन जनरल अगर वो ऑफ फील्ड नहीं होते तो उतना कुछ खास तो है नहीं, मतलब ऑफ फील्ड डीपीएस या सब डीपीएस लाइक शिंचू शांगलिंग. सेथोस ऑन फील्ड डीपीएस है तो उतना ज्यादा वर्ड टू बिल्ड वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, बट क्या पता, हो सकता है उसका किट बहुत ज्यादा क्रैक निकले. सो इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. फोर स्टार मैं तो बोलूंगा ये दो पूरे है सेथोस एंड थोमा, बट बेनेट दी बेस्ट फोर स्टार जो कि किसी भी बैनर में हो सकता है. बेनेट का किसी बैनर पे होना मतलब वो बैनर वर्क टू पुल अप, बट जैसे कि मैंने बताया फोर स्टार का सीन. ऑल्सो फाइव स्टार का मैंने बता दिया कि थोड़े दिन वेट कर लेना उसके बाद ही पुल करना, बट फाइव स्टार अलेदम तो डेफिनेटली वर्क टू पुल है. क्लोरिंड का बस देखना है हमें, सो लेट्स सी कैसी कैरेक्टर निकलती है क्लोरिंड. अब बात कर लेते हैं वेपन बैनर के बारे में. वेपन बैनर वन ऑफ द बेस्ट बैनर्स में, मैं तो बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट बैनर्स है रिसेंट टाइम्स में. अलैथम का वेपन 88% क्रिट डैमेज देता है, इसका बेस अटैक लो है बट 88% क्रिट डैमेज देता है. सिर्फ क्रिट डैमेज के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया वेपन है, बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए ये वेपन बहुत ही बढ़िया है. और क्लोरिंड का वेपन शायद दी बेस्ट सॉर्ड अभी सीवी के हिसाब से मैं बोलूंगा, करेंटली अवेलेबल स्वॉर्ड्स में मैं तो बोलूंगा दी बेस्ट है भाई. पैसिव इसका सिर्फ क्लोरिन पे ही काम आएगा, बट हाईएस्ट बेस अटैक अमंग स्वॉर्ड्स, जितने भी स्वॉर्ड्स है उसमें हाईएस्ट बेस अटैक है इसमें. नॉट ओनली इसमें एक्विला फावोनिया और मिस स्प्लिटर, इन तीनों स्वॉर्ड्स में हाईएस्ट बेस अटैक है. लेकिन इस पे आपको 44% क्रिट डैमेज मिल जाता है सबस्टैट में, ऑल्सो पैसिव से मिल जाता है अनदर 20% क्रिट डैमेज, मतलब हाईएस्ट बेस अटैक स्वॉर्ड के साथ 64% क्रिट डैमेज मिल जाता है शॉट से. तो ये वेपन तो बहुत ही बढ़िया है और अलैदम का भी जैसा मैंने बोला ही सीबी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है. तो वेपन बैनर तो बहुत ही सही है, मैं बोलूंगा कोई सा भी वेपन मिल जाए दोनों ही टोटली बढ़िया है. अब फोर स्टार की बात करें लिथिक स्पेयर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, सीआर प्रोवाइड करता है अगर आपके टीम में सारे लीवे के कैरेक्टर्स है तो ये वेपन अच्छा ही है, मैं बुरा बिल्कुल नहीं बोलूंगा. डबल अटैक वेपन भी है तो कुछ कैरेक्टर्स पे काम भी आएंगे अगर सीआर वीआर नहीं चाहिए तो, बट ये वेपन काफी सही है. विड सेट वन ऑफ द बेस्ट फोर स्टार्स. सैक्रिफिशियल के दो वेपन वाइज सैक्रिफिशियल सीरियस गेम में तो बेस्ट है, बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को ईआर चाहिए, डेंडो ट्रैवलर पे भी यूज कर सकते हो, स्पेशली डेंडो ट्रैवलर एंड शिंगचू, उन पे सैक्रिफिशियल सॉर्ड बहुत ही सही है. सैक्रिफिशियल ग्रेट सॉर्ड बीरो पे यूज कर सकते हो, डबल काउंटर एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिन पे ये दे सकते हो. सायू एक्सप्लोरेशन के लिए बस रोल करते करते एक एनिमी को हिट कर देना, स्किल रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से रोल कर पाओगे अगर ये वेपन सायू पर रहेगा तो. स्ट्रिंगलेस अच्छा वेपन है बट स्ट्रिंगलेस फेशियल पे अच्छा है एंड टाइनरी के लिए बेटर ऑप्शंस तो है मैं बोलूंगा. तो स्ट्रिंगलेस ठीक ठाक वेपन है, बुरा है नहीं बट उतना ज्यादा भी अच्छा है नहीं, मतलब किसी के लिए डेडिकेटेड वेपन ऐसा कुछ नहीं. चाइल्डनिक शोकेस में भी ये काम आता है बट उतना ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, बुरा नहीं है ठीक है. तो वेपन बैनर तो मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा है, फोर स्टार इसके सारे अच्छे हैं एंड फाइव स्टार इसके बहुत ही ज्यादा सही है. तो वेपन बैनर डेफिनेटली वर्थ टू पुल, अगर आप वेपन पुल करने का सोच रहे हो डेफिनेटली मैं बोलूंगा पुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, काफी बढ़िया वेपन बैनर है. लेकिन बस कैरेक्टर बैनर्स का वही लोचा मैंने जैसे बता दिया, दो तीन दिन वेट करने के बाद फिर पुल करना. और फोर स्टार के लिए अगर पुल कर रहे हो तो जरा सोच समझ के, उसका भी मैंने बता ही दिया क्यों. So, ये तो हो गए बैनर्स एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय.